हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत के तिरंगे के बारे में। दोस्तों, तिरंगे का मतलब होता है जिसके तीन रंगों। दोस्तों, भारत के तिरंगे में सबसे ऊपर का रंग होता है केसरिया, जो शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। मध्य में होता है सफ़ेद रंग, जो शांति का प्रतीक है। और तीसरा रंग होता है जो सबसे नीचे होता है, हरा रंग, जो कृषि प्रधानता और संपदा का प्रतीक है। दोस्तों, झंडे के मध्य में एक फैया होता है जिसे अशोक चक्र कहते हैं। इसका रंग नीला होता है और इसमें 24 तिल्लियाँ होती है। दोस्तों, इस झंडे का अनुपात 3:2 होता है। और दोस्तों, भारत ने इस झंडे को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। और इस झंडे को तैयार करने वाले व्यक्ति का नाम है पिंगली वेक्या। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये जान, देश प्रेम की यही भावना है। देश सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, देश सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। जय हिंद, जय भारत।